दोस्तों, भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस दौरान भारत में लगभग हर सेक्टर ने तरक्की करते हुए दुनिया को ये दिखा दिया है कि एक समय में जिस भारत के पास सुई बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो भारत आज दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर एरोप्लेन तक मैन्युफैक्चर कर रहा है। जिस भारत की जीडीपी कभी ब्रिटेन के हाथों में हुआ करती थी, वही भारत आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में ब्रिटेन को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ऐसा ही लगातार होता भी रहेगा। लेकिन इन सब के दौरान क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की, क्या होता अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग देश ना होकर के ऐसे यूनाइटेड इंडिया की तस्वीर होते, जिसमें कभी पार्टीशन की लकीर ही नहीं खींची होती। एक बार इस सिचुएशन की इमेजिनेशन को कम करने के लिए आप बस इंडिया के मैप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बनी इन लाइंस को मिटाकर देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब सोचिए कि कैसा होता वो यूनाइटेड इंडिया और क्या होती उसकी आज की कंडीशन। क्या आज हमारे पास बांग्लादेश और पाकिस्तान होता तो हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी की जगह दूसरी या तीसरी इकोनॉमी होते। इस व्हाट इफ में बहुत से पॉइंट है जो डिस्कस किए जाने जरूरी हैं। इसलिए आइए इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं कि कैसा होता यूनाइटेड इंडिया। ये सब समझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की नींव पड़ी कैसे और ये देश सिर्फ 1947 में अचानक ही भारत से अलग हो गया, या फिर इसके बनने की कुछ और ही कहानी है। दोस्तों, जाहिर है कि कुछ और कहानी नहीं होती तो शायद इसे हम अपनी वीडियो का पार्ट नहीं बनाते। इसलिए अब चलते हैं सबसे पहले उस टाइम पर जब देश में कॉलोनियल एरा पर, जब अंग्रेजों का शासनकाल अपने चरम पर था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा दिए थे, जिसके विरोध में 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की। वो भी ऐसी क्रांति कि अंग्रेज सदमे में आ गए। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो भारत पर ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के लोग अपने देश को आजाद कराने के लिए पूरे मोटिवेशन के साथ लगे थे। इसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि उन्होंने भारत की दो सबसे बड़ी आबादी वाले धर्मों के बीच नफरत फैलाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही 1880 में पहली बार एक कट्टर मुस्लिम नेता सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के लोगों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने भारत के धर्म के आधार पर दो देशों में बांटने की वकालत की थी। क्योंकि उनका भाषण इतना एग्रेसिव था कि पहली बार जमीन पर आने के साथ ही साथ थ्योरी बहुत ही तेजी से पनपने लगी और इस बात को अंग्रेजों ने भी अपनी एक हरकत से और हवा तब दे दी जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल के विभाजन के बाद ही 1906 में देश में पहली बार मुसलमानों के लिए एक नेशनल पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी कहलाई। इसके बाद टू नेशन थ्योरी को देखते हुए ही अंग्रेजों ने सॉफ्ट गेम भारत के लोगों के साथ खेला, जिसमें उन्होंने 1909 और 1919 में दो अलग अलग रिफॉर्म्स के तहत भारत की अलग अलग धर्मों पर सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, इसे आप ऐसे समझिए कि अंग्रेजों के हिसाब से देश में जब चुनाव होता तो पहले से ही तय किया जाता कि किस सीट पर हिंदू वोट करेगा और किस पर मुस्लिम वोट करेगा, जिससे देश की राजनीति में भी धर्म ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया और हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक सौहार्द बचा हुआ था वो खत्म होने लगा। लेकिन अभी तक तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही एक अलग पार्टी बनाई गई थी, पर 1915 में आकर पहली बार हिंदू सभा का भी गठन किया गया, जिसमें देश के हिंदुओं के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए एक पार्टी शक्ल में आई, जिससे बाद में 1925 में आरएसएस नाम की संस्था ने भी जन्म लिया, जिनका मेन काम हिंदुत्व की फिलॉसफी को प्रोपोगेट करना था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके दम पर वो अपनी पॉलिटिक्स को देश में फैलाएंगे। और उनकी इस आइडियोलॉजी में ये कहा जाता था कि देश के लिए मुस्लिम और अंग्रेज दोनों ही खतरनाक है, इनके साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग या समझौता नहीं किया जा सकता। देश में हिंदू और मुसलमानों की आस्था राजनीति के साथ देश के बंटवारे का भविष्य तय करने के लिए आगे आ चुकी थी। इसीलिए 1920 से लेकर 1930 तक भारत में कई सांप्रदायिक दंगे हुए और दोनों धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के लिए नफरत को बढ़ाने लगे। लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ था। टू नेशन कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो कैसे, कहां और किस नाम से बनेगा इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन 1933 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र ने पहली बार भारत से अलग मुसलमानों के लिए एक देश का जिक्र किया, जिसका नाम उसने पाकिस्तान रखा, जिसमें पंजाब, WFP, कश्मीर, सिंध और बलूच के हिस्से शामिल थे। यही पाकिस्तान आगे चलकर पाकिस्तान की शक्ल बना
1937 में सावरकर ने भी मुस्लिम के लिए अलग अलग देशों की बात का समर्थन करते हुए टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सावरकर की बात को सपोर्ट करते हुए देश में टू नेशन थ्योरी यानी कि एक अलग पाकिस्तान को बनाने के लिए लग गए। जिन्ना का कहना था कि वो भारत को या तो डिवाइड करेंगे या तो डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन जिन्ना की ये सोच कभी भी सफल नहीं हो पाती। अगर 1946 में ब्रिटिश इंडिया इलेक्शन को नहीं बुलाती, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने जब 1946 में इलेक्शन करवाए तब मुस्लिम लीग को समय 425 सीट मिल गई थी और कांग्रेस को करीब 923 सीट मिली थी। कांग्रेस में सीटें ज्यादा थी, पर एक बात साफ हो गई कि देश में मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने वाले लोग चाहते हैं कि एक देश पाकिस्तान बने, और ये लोग बड़ी मात्रा में थे, ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट देखकर कहा जा रहा था। लेकिन इलेक्शन को जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उस तरह से नहीं था, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल इलेक्शन नहीं हुआ था और इस चुनाव में वोट करने के लिए जो राइट कैंडिडेट थे उनके ऊपर बहुत सारे कंडीशन लगे हुए थे कि जैसे वो अमीर होने चाहिए, टैक्स पेयर होने चाहिए, उनके पास जमीन हो, खुद का घर हो, यानी एक तरह से चुनाव सिर्फ और सिर्फ देश के अमीरों के लिए ही करवाया गया था, जिसमें सिर्फ देश के 3-13% पॉपुलेशन ने ही हिस्सा लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या देश के बनने या ना बनने की कहानी को 3-13% लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा ही किया, क्योंकि 1940 में जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिनिस्टर चर्चली हुआ करते थे तब वो भी एक अलग पाकिस्तान की मांग को सही ठहरा रहे थे और वो इसका सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जिस सोवियत यूनियन के सपोर्ट से भारत एक सोशलिस्ट नेशन बनते जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान जैसा एक देश ब्रिटेन के पास होना चाहिए, वरना उसकी डोमिनेंस को खतरा होता। हुआ भी यही, और देश आखिरकार 1947 में पार्टीशन के उस दौर से गुजरा कि 14 अगस्त को सिर्फ कहने भर का पार्टीशन हुआ, लोग लाखों की संख्या में अपने घरों से बेघर हुए और मारे भी गए। इसीलिए इसे पूरे भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से कहा जाता है, और इसी दिन की वजह से ही नाथूराम गोडसे ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान बनने के पूरे डिटेल बातचीत में यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी कंडीशन में ये पॉसिबल था कि उस वक्त पाकिस्तान को बनने से रोका जा सकता था या नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर कोशिश की गई होती तो भारत का बंटवारा नहीं रुका होता, लेकिन अंग्रेजों की सोच और देश की धार्मिक पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा करना उस वक्त मुमकिन नहीं हुआ, जिसके कुछ फैक्टर्स पर अगर हम डिस्कस करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और गांधी जी आखिरी वक्त पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस को आखिर में जाकर देश को दो हिस्सों में बांटना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो मुस्लिम लीग की बात मानकर पाकिस्तान को अलग नहीं करते हैं तो वो अरब देशों के सपोर्ट से देश में दंगों और बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। और तो और, जिन्ना अपनी बात को मनवाने के लिए आजाद भारत को भी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करने देते, जो उस समय भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और उससे भी ज्यादा जरूरी था कि देश की शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे पास उस वक्त ना तो हमारा संविधान था, ना तो कानून था, ना ही सारी रियासतें हमारे पास थी, इसलिए काम ज्यादा था और कम्युनल रियट्स के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए अंग्रेज और कांग्रेस दोनों ने ही पाकिस्तान के बंटवारे की बात को मान लिया। दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से हम आपको ये समझाएंगे कि अगर आज भारत यूनाइटेड होता तो उसकी शक्ल कैसी होती। तो अगर ऊपरी तौर पर देखें तो ये बात तो साफ है कि हमारे पास शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम होने के साथ साथ हॉकी टीम भी होती, क्योंकि बात अगर क्रिकेट टीम की जाए तो कितनी बार कहा जा चुका है कि काश ऐसा होता कि शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर एक ही टीम में खेलते, बाबर आजम और विराट कोहली ओपनिंग करते, शाहिद अफरीदी और महेंद्र सिंह धोनी देश के कैप्टन रहे होते, या फिर क्रिकेट से हटकर म्यूजिक की बात करें तो आज हमारे हिंद और उर्दू गानों की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें कितना रिच कंटेंट बन रहा होता, और नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, अली जफर पूरी दुनिया में भारत की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट करते। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर से देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान एक होता तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का होता। अगर आज ये तस्वीर कुछ ऐसी ही होती तो हमारा सबसे पड़ोसी देश अफगानिस्तान होता, और अगर 47 में हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान रहा होता तो शायद आज तालिबान का जन्म ही नहीं हुआ होता, क्योंकि तालिबान के जन्म की जो कहानी शुरू होती है वो है कोल्ड वॉर में 70 के दशक के दौरान, जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से डायरेक्ट लड़ाई न करके इनडायरेक्ट तरीके से आपस में कम्पीट कर रहे थे। ऐसे में सोवियत संघ उस वक्त अफगानिस्तान में वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी को भेजकर सरकार के खिलाफ हो रहे विद्रोह को जवाब दे रही थी, तो वहीं अमेरिका ने इसके खिलाफ काम करते हुए अफगानी लड़ाकों को हथियार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था।
और पाकिस्तान से होते हुए वो हथियार बॉर्डर पर अफगानिस्तानी लड़ाकों के पास जाते थे, जिससे वो रशियन आर्मी के साथ जंग करते थे। और इसी तरह अफगानिस्तान में जन्म हुआ तालिबान का, जिससे आज न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान परेशान है। ऐसे में अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो शायद अमेरिका कभी भी अफगानी लड़ाकों को भारत के जरिए हथियार प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि भारत कोल्ड वॉर के दौरान ना तो सोवियत संघ के साथ था ना ही अमेरिका के साथ था। इसलिए ऐसा पॉसिबल था कि इस तरह के टेररिज्म का भी जन्म नहीं होता, जिससे आज कश्मीर पूरी तरह से प्रभावित है। बात अगर कश्मीर की हुई है तो अगर कश्मीर यूनाइटेड इंडिया का पार्ट होता तो वहाँ 80 के दशक में जो आतंकवाद का बीज बोया गया था वो कभी नहीं पनप पाता, और ना ही कभी 90 के दशक में वहाँ से कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ करके माइग्रेट होना पड़ता, और ना ही आतंक के साए में आज कश्मीरी मुसलमानों को रहना पड़ता, ना ही देश की आर्मी को वहाँ पर सालों साल रहने की जरूरत पड़ती, और ना ही देश के जवान कश्मीर की वादियों में गद्दार या काफिर कहलाते। कश्मीर के अलावा अगर हम पूर्वोत्तर या फिर पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी बांग्लादेश आज भारत का ही हिस्सा होता, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और खासकर कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के काबिल होता। पाकिस्तान के बंटवारे के साथ की पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश भी उसका हिस्सा बन गया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने वहाँ के लोगों पर जबरदस्ती उर्दू भाषा को थोपने का जो काम किया, जिससे वहाँ की जनता विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को आखिरकार बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने में उसकी मदद करनी पड़ी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज बंगाली मुसलमानों का इलाका इसी यूनाइटेड इंडिया का पार्ट होते हैं, जहां से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के कई सारे राज्य पर होने वाली चाइनीज एक्टिविटी पर नजर भी रख सकते थे। और तो और हमारे पास बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा नेवल बेस बनाने का भी अड्डा होता, जिसके जरिए हम इंडियन ओशन में आज बढ़ती हुई चाइना की दादागिरी को पहले ही कंट्रोल कर चुके होते, और एशियन देशों के साथ हमारा बिजनेस और मजबूत हो चुका होता। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांग्ला मुस्लिमों का इलीगल माइग्रेशन होता रहता है, वो आइडेंटिफाइड तरीके से भारत के किसी भी हिस्से में अपने आप को ग्रो कर पाते। अगले पॉइंट की बात करें तो यूनाइटेड भारत में हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल आर्मी होती, क्योंकि आज जहां इंडिया के पास 14 लाख सैनिक हैं तो वहीं पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक मौजूद हैं। अगर हम दोनों को मिला दें तो आज हमारी आर्मी करीब 20 लाख की होती, जो कि चाइनीज आर्मी को पूरी तरह रौंद देने के लिए काबिल होती। और तो और ऐसी मिलिट्री को सपोर्ट करने वाली स्पाई एजेंसी यानी कि भारत की रॉ और पाकिस्तान की ISI देश की सेफ्टी के लिए मिलकर काम करते, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती कि सलमान की एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों की कहानी नहीं बन पाती। जोक सपाट, भारत पाकिस्तान आपस में सिर्फ जमीनी बॉर्डर नहीं बल्कि समुद्री सरहदें भी शेयर करते हैं। 3,323 किलोमीटर की जमीनी सरहद के अलावा दोनों देशों की सीमा इंडियन ओशन पर भी लगती है। अगर पार्टीशन नहीं होता तो भारत अपना मैरीटाइम बॉर्डर और एक्सटेंड कर पाता, और भारत के पास मुंबई के अलावा कराची भी एक बड़ा कमर्शियल पोर्ट वाला शहर होता, जिसके सही इस्तेमाल से हमारी GDP कुछ और होती। और तो और अगर भारत यूनाइटेड इंडिया होता तो उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देशों के बराबर कंपेयर किया जाता, जिससे पूरी दुनिया से भारत में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आते और देश आगे बढ़ता। यूनाइटेड इंडिया के साथ साथ अच्छी बात ये होती कि कभी भी धर्म के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति को सपोर्ट करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास पाकिस्तान जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं होता, और वो ये नहीं कह पाते कि कैसे हमारे देश को एक धर्म की वजह से बांट दिया गया था। ऐसा नहीं होता तो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग या उसे कंट्रोल करने वाली सरकार ही सत्ता में नहीं आ पाती, और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बहस के नाम पर चुनाव का रुख भी डिसाइड नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, रोजगार, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ जैसे सेक्टर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता, और देश में माइनॉरिटी को डिग्निफाइड तरीके से देखा ही जाता, खासकर मुसलमानों को। बात पाकिस्तान की तरफ की करें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी में रह रहे हिंदू और ईसाइयों की स्थिति काफी बेहतर होती। इन सभी पर उनके समुदाय के कारण जो अटैक होते रहे हैं वो ना होते, एक सेक्युलर भारत में हर धर्म और समुदाय के लोगों की रक्षा होती और वो खुलकर अपनी जमीन में सांस ले पाते, शायद तब ये किसी को सुनने को नहीं मिलता, पाकिस्तान चले जाओ या ये तो हिंदुस्तानी काफिर है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था का अधिकतर हिस्सा डिफेंस बजट में जाता है। भारत के लिए ये जरूरी इसलिए है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने सीमाओं की रक्षा कर सके, जबकि पाकिस्तान के ना होने पर शायद ज्यादा ध्यान देश के एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर होता। आखिर में जाते जाते एक बोनस पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ होता तो सनी देओल को टैंक उड़ाने और हैंडपंप उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्मों से इतर हमारे कई सैनिक आज जिंदा होते।
क्योंकि पाकिस्तान के बनने के साथ ही 1947 से लेकर 1999 तक हमने 4 जंग लड़ी हैं, जिसमें हजारों की संख्या में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए होंगे और बहुत भारी मात्रा में रिसोर्स और पैसे का लॉस भी हुआ। लेकिन दोस्तों, ये सभी बातें अनडिवाइडेड या यूनाइटेड इंडिया की महज एक कोरी कल्पना है, जिसे हकीकत में कभी साकार किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि दो देश जो एक वक्त में एक दूसरे से बट गए थे, वो बाद में जाकर एक हो गए, जैसे वेस्ट और ईस्ट जर्मनी, नॉर्थ और साउथ वियतनाम का एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जो बाद में सिर्फ जर्मनी और वियतनाम बन गए। लेकिन फिलहाल तो भारत और पाकिस्तान के लिए सबसे सही यही होगा कि पड़ोसी दुश्मन की बजाय हम सिर्फ पड़ोसी बने रहें। एक देश बनने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आप किस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।